हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, रविवार यानी सूर्य देव का वार। दोस्तों, यदि आप रविवार के दिन शास्त्रों में दिए गए कुछ उपाय करते हैं तो आपके ऊपर से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है और आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जीवन में बहुत सी परेशानियां सूर्य कमजोर होने के कारण ही लोगों को झेलनी पड़ती है। दोस्तों, यदि रविवार के दिन हमारे बताए हुए यह उपाय आप करते हैं तो आपको अपने जीवन में फर्क जरूर नजर आएगा। दोस्तों, जो भी लोग हमारे उपाय सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो उन्हें यह उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि यह उपाय करने के बाद उन लोगों को लाभ मिल रहा है जिन लोगों ने सच्ची श्रद्धा से ये उपाय किए हैं। इसी कारण हमारे चैनल में कम ही समय में 4 लाख लोग जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे चैनल से जुड़िए और आप भी इन उपायों का लाभ उठाइए। आप आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हमारा चैनल करोड़ों लोगों तक पहुंचे और उनकी सभी समस्याएं दूर हो। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी परेशानियां जल्द से जल्द दूर कर सकें, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति की ये परेशानी दूर होती है तो हमें बहुत खुशी होती है। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं आज के उपाय यानी रविवार के उपाय की। दोस्तों, आपको एक बिल्कुल साबुत लौंग लेनी है, उसके बाद आपको एक दिया लेना है। ध्यान रहे, लौंग बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, ऊपर से वह टूटी ना हो। उसके बाद आपको अपने घर के पूजा गृह में जाके बैठ जाना है और आपको वह लौंग अपने पूजा घर के सामने रख देना है और उस दिए में आपको शुद्ध गाय का घी या शुद्ध घी आपको उसमें डाल देना है। यदि आपके पास घी ना हो तो आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप उस दिए को जला दें। दिए को जलाने के पश्चात आपको दोनों हाथ जोड़कर आपको इस मंत्र का 21 बार जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौ सा सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र को 21 बार जाप करने के पश्चात आपको उस लौंग को मंदिर से अपने दाहिने हाथ से उठाना है। दाहिने हाथ से उठाने के पश्चात आपको इस लौंग से अपनी सभी परेशानियां एवं अपनी सभी इच्छाएं बोल देनी है। दोस्तों, ये इच्छाएं बोलने के बाद आपको उस लौंग को उस दिए के घी में डाल देना है। उसके बाद आप सो जाना है और जब आप सुबह उठें, आप नहा धोने के पश्चात आप मंदिर में जाकर उस लौंग को उठा लें और लौंग को उठाने के बाद आप अपने ऊपर से इसको 3 बार घुमाकर किसी सुनसान जगह पर जाएं। उसके बाद आपको उस लौंग को वहां पर दबा देना है। दोस्तों, आपको उस लौंग को उस सुनसान जगह में दबाने के पश्चात आपको अपने घर चले आना है और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और यदि आपका सूर्य कमजोर है तो वह भी मजबूत होने लगेगा। दोस्तों, लेकिन आपको यह सभी उपाय सच्ची श्रद्धा एवं मन से करने चाहिए, क्योंकि यदि आप सच्ची श्रद्धा और मन से ये उपाय नहीं करेंगे तो यह उपाय लाभकारी सिद्ध नहीं होते, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ करते हैं तो हमें उस पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप ये उपाय कल जरूर करेंगे और सूर्यदेव आपकी सभी परेशानियां जल्द से जल्द दूर कर दे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।